खरगोन जिले के सेगांव में आज कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मंडलोई के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के साथ तहसील कार्यालय में तहसीलदार राजेश्याम पाटीदार को महामहिम राज्यपाल के नाम यूरिया की मांग का ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर पंडरीनाथ गुप्ता, काशीराम यादव मौजूद थे। ज्ञापन में बताया गया कि यूरिया खाद की कमी, आपूर्ति एवं गेहूं की 50% बकाया राशि का तुरंत भुगतान हो। वहीं खाद की किल्लत से परेशान किसान हो रहे हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं तो खरीदा गया, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में भुगतान नहीं किया गया है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। यूरिया खाद की भारी किल्लत होने से किसान परेशान है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदा गया था, जिसकी किसानों की 50% राशि शासन द्वारा अभी तक के नाम से ज्ञापन हमने किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उसमें मूल रूप से एक तो क्या है कि यूरिया खाद की क्षेत्र में कमी महसूस हो रही है और दूसरा क्या है कि गेहूँ जो शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था उसकी 50% राशि जो शासन ने अभी तक किसानों को प्राप्त नहीं हुई, किसान बहुत आर्थिक स्थिति से परेशान हो रहे हैं, इसलिए हमें महामहिम को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।